Assalamu alaikum. How are you, dear students? Today our topic of discussion is human development and learning, and this is course code 8610, lecture 1, by me, yani Atiya Samar, senior subject specialist education. Objective of the course aapko bata dun. After successful completion of the course, the students will be able to differentiate between growth and development. आप explain कर पाएंगे different stages को growth और development की. Explain the process of human development. Describe theories of intellectual development. Highlight different factors affecting emotional development of child. Explain different theories of moral development. Describe stages of language development. Create an classroom environment that promote learning, and highlight the role of individual differences in learning and teaching. So this was the course objectives. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनिट वन, इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर हम एक ओवरव्यू लेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या चीज़ है. डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अमूमन ग्रोथ के साथ रिलेट किया जाता है. कुछ लोग इसको एक बराबर समझते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, ये ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, लेकिन बज़ाहिर एक ही दिखने वाली ये चीज़ आपस में कितना फ़र्क रखती है, इस बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में. और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रोथ के दौरान तब्दील होती हैं एक पर्सन में, एक इंडिविजुअल में, और कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के दौरान चेंज होती हैं किसी भी इंसान में. तो चलें देखते हैं नेक्स्ट. उसमें आपके इस यूनिट के जो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट वन, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि एट द एंड ऑफ द यूनिट यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट डोमेन्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आर्टिकुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अप्रोचेस, discuss the basic issues involved in child development and identify the factors that influence child development. आइए देखते हैं कि child development की study करना हमारे लिए being teacher क्यों ज़रूरी है. जब हम किसी भी student को कुछ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें उसकी नेचर, उसकी एज, उसकी लर्निंग कैपेसिटी और बाकी जो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं उसका अंदाज़ा होना ज़रूरी है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम तभी अपना टीचिंग मेथड और लर्निंग का जो उनका स्टाइल है या उनकी लर्निंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, उसके बारे में आइडिया लगाते हैं. उसके लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करनी पड़ती है. हम देखते हैं कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसको अमूमन एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली या पेयर्ड अप किया जाता है बात करते वक्त. जैसे कि कहा जाता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ एक चीज़ है, तो हम आज इसी बारे में फ़र्क मालूम करेंगे और इसके साथ ही देखेंगे कि ये चीज़ें कौन कौन सी फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस होती हैं. चाइल्ड की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, इसमें आपको जब दोनों अल्फाज के इस्तेमाल में कोई शक और एम्बिग्यूटी है, वो आज आपके इस सेशन के बाद दूर हो जाएगी. आइए एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंट कैसे डिफरेंस देखेंगे. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू इंटररिलेटेड येट सेपरेट कॉन्सेप्ट्स. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कम्प्लेक्स प्रोसेस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स एंड सोर्सेज.
दिस यूनिट कवर दिस देम इन डिटेल द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफनली यूज्ड इंटरचेंजेबली और पेयर्ड अप इन अ रादर सिमिलर वे विच कॉजेज एम्बिग्विटी ओवर देयर मीनिंग्स. इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू टर्म्स राइट एट द आउटसेट. तो देखेंगे हम कि किस तरह से ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से फ़र्क करती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पहले हम ग्रोथ का मतलब जान लेते हैं. द टर्म ग्रोथ इम्प्लाइज एन एडिशनल और इंक्रीज्ड इन द बॉडीज एस्पेक्ट्स दैट कैन बी मेजर्ड. फॉर एग्जांपल, ये ऐसी ह्यूमन के अंदर होने वाली जिस्मानी ऐसी तब्दीलियों का नाम है ग्रोथ, जिसको हम नाप सकें, फिगर्स में बता सकें. जैसे कि हाइट, यानी आपका कद काठ है बच्चे का, वज़न है, साइज है, मसल्स एंड लेंथ. इट इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट नेचुरली अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आर रिलेटिवली नॉट और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम इलनेस और अंडर नरिशमेंट. ये एक ऐसा जो आपको कहते हैं ना विरसे में मिलने वाला जिस्मानी प्रोसेस है, जिसके अंदर जिस तरह से पेरेंट्स के मसल्स और कद काठ होगा, उसी तरह से आगे जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के दौरान वो काफ़ी हद तक अपनी जीन से लेते हैं चीज़ें, और उसके बाद जब उनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है सियाको सबाक पर, जिसमें से बहुत ज़्यादा कोई बीमार रहने पर भी उसके कद काठ और ग्रोथ में जो है वो तब्दीली और कमी वाक़या हो सकती है, और इसी तरह से कम गिज़ा खाने पर भी. इट इवेंचुअली स्टॉप व्हेन द बॉडी पार्ट्स रीच द पीक ऑफ देयर ग्रोथ. जब इंसान के बॉडी पार्ट्स एक पीक, एक चोटी, एक रीच तक पहुंच जाते हैं जहां तक कि उन्हें पहुंचना है, जिस तरह का आपको कहा कि जेनेटिकली जो चीज़ें विरसे में बच्चों को मिलती हैं कि उनके पेरेंट्स के कद काठ जितने हैं वो उतना ही लेवल तक पहुँच कर या उससे थोड़ा कमी बेशी पर, जिसमें दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर पहुँच कर ये ग्रोथ का जो सिलसिला है वो रुक जाता है. जबकि हम डिवेलपमेंट को देखते हैं तो डिवेलपमेंट रेफर्स टू सर्टेन चेंज दैट अकर्स विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल That is from conception to till death. It not only involves growth but also entail disintegration and eventually decay, death. However, not all change are considered as development. देखें, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर development इंसान के अंदर आने वाली वो तब्दीलियाँ हैं जो वक्त के साथ साथ उसकी फिज़िकल चेंज के साथ साथ उसके अंदर आने वाले जो रवैयों में तब्दीली है उसको डेवलपमेंट कहते हैं. यूँ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का, जबकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें ग्रोथ भी होती है, लेकिन सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ग्रोथ का जो वक्त है वो एक मुकर्रर वक्त है, 20-21 साल तक वो होती है एज की, और उसके बाद सिर्फ डेवलपमेंट ही रह जाती है, जो कि बिहेवियर में तब्दीली का नाम है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग का नाम है. इसमें आपके यहाँ पर एक और डिफरेंस भी है इन दोनों में कि ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव, यानी आपको क्वांटिटी बताती है, जैसे मैंने कहा मेजरमेंट बताती है, नंबर्स में आप बता सकते हैं, तो वो एक क्वांटिटेटिव चेंज का नाम है. पर्सनल के अंदर, एक पर्सनैलिटी के अंदर, एक पर्सन के अंदर, एक बच्चे के अंदर, जबकि डिवेलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव, यानी आप कितनी क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप हो रही हैं और वो इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक वाकया होती रहती हैं. और वो तब्दीलियाँ बिहेवियर की तब्दीलियाँ हो सकती हैं, वो और तरह की भी तब्दीलियाँ जिनको आगे जाकर हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डिवेलपमेंट के साथ इंसान के अंदर चलते हैं और जिसकी वजह से इंसान में तब्दीलियाँ आती हैं. अब हम देखेंगे कि डोमेन्स क्या हैं डेवलपमेंट की. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न बताया गया जो हमें, वो तीन डोमेन्स पर मबनी है. द पैटर्न ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज.
फिजिकल डोमेन, अगर हम फिजिकल डोमेन की बात करते हैं तो फिजिकल डोमेन का ताल्लुक बायोलॉजिकल चेंज के साथ है, जो कि ओवर द टाइम पे तब्दीली आती रहती है। इस तब्दीली का ताल्लुक बॉडी साइज से है, प्रोपोर्शन से, अपेरेंस से है, मोटर स्किल से है और फिजिकल हेल्थ से है। तो ये है आपकी फिजिकल डोमेन। दूसरी है सोशियो इमोशनल डोमेन। सोशियो इमोशनल डोमेन के अंदर अगर हम देखें तो इस डोमेन में आप जिक्र करेंगे कि रिलेशनशिप का ताल्लुक होता है। सोशियो इमोशनल डोमेन जो है वो हाईलाइट करती हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें बच्चे का जो चेंज है वो रिलेट करता है रिलेशनशिप के साथ, दूसरों के साथ उसके रिलेशनशिप, फीलिंग्स का ताल्लुक है इसमें, वैल्यूज़ का ताल्लुक है इसमें, यानी अखलाकियात किस तरह से उसको सिखाई गई और बिलीव्स उसके अकायद क्या हैं, पर्सनैलिटी क्या है, इस बारे में ये सारी जो तब्दीली है या डेवलपमेंट है इसको हम सोशियो इमोशनल डोमेन डोमेन में लेंगे। तीसरा है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में जो तब्दीलियां हम नोट करते हैं वो हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, यानी उसके अंदर किस कदर जहानत की जो स्किल्स हैं वो, उसके अलावा स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स हैं, उसके अलावा इंटेलिजेंस है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी अटेंशन है, मेमोरी है और लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं। हम अगले हिस्से में चैप्टर के देखेंगे कि किस तरह से इन सारी डोमेन्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो उसमें ग्रो करती है बच्चे के अंदर। दीज डोमेन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। हम जिक्र कर रहे थे फिजिकल डोमेन का, सोशियो इमोशनल डोमेन का और कॉग्निटिव डोमेन का। तो फिजिकल डोमेन में जो इंसान के जो बच्चे हैं या छोटे किड्स हैं वो सिटिंग, क्रॉलिंग और वॉकिंग उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पहचान है, यानी उनके अंदर किस तरह से तब्दीली आती है। इसी तरह सोशल इमोशनल डोमेन में अगर देखें तो एडल्ट्स जब सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों की बर्थडे या अचीवमेंट्स को, तो उनके एक्शंस, फीलिंग्स, बॉन्डिंग्स जो है वो सोशियो इमोशनल डोमेन को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं किसी भी बच्चे के। तीसरा है कॉग्निटिव डोमेन। इस पर अगर हम बात करें तो छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं जब वो अंडरस्टैंड करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को, सराउंडिंग को, तो उनके अंदर कॉग्निटिव डोमेन उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। जिस तरह के मैंने अभी पिछली स्लाइड पर जिक्र किया था लैंग्वेज का, जब भी आप देखते हैं कि एक बच्चा जब उसकी जो जो ग्रोथ हो रही होती है तो उसकी बाकी जब स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही होती है, तो हम कॉग्निटिव स्किल्स की अगर बात करें तो उसकी लैंग्वेज उन्हीं दिनों वो सीख रहा होता है पहले 2 साल के अंदर। तो इसका हम आगे तफसील से चेक करेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से वो चीज़ें बच्चा अडॉप्ट करता है। द डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। द डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट हैव बीन क्लासिफाइड इन टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वन क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स डिफरेंट डोमेन्स सच एज द फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल एंड इमोशनल डोमेन्स। अभी हमने पिछली स्लाइड पर जिक्र किया था कि 3 मेन डोमेन्स हैं, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा डोमेन्स बताई गई हैं जिनको हमने सम अप किया था उन्हीं 3 में। बहरहाल हम देख रहे हैं, एन अदर वे टू क्लासीफाई दीज डोमेन्स इन्वॉल्व फिजिकल, पर्सनल, सोशल एंड कॉग्निटिव। नेवरथलेस, दीज डोमेन्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल, सोशल एंड इमोशनल डिवेलपमेंट ओवरलैप्स ईच अदर सिग्निफिकेंटली एंड सो कैन बी क्लासिफाइड अंडर सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट। आप के साम सिमिलरली वो कह रहे हैं कि कॉग्निटिव और लैंग्वेज, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी तो आपकी लैंग्वेज लर्निंग होगी और लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। अगर किसी बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, उसके अंदर उसकी जहनी नशोनुमा नहीं हो रही, तो वो लैंग्वेज की जो इम्प्रूवमेंट उसके अंदर लैंग्वेज सीखने के हवाले से है वो नहीं मुमकिन है। इसी तरह अगर किसी की सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रही होती हैं। इसी तरह से हमने पहले बात की कि अगर फिजिकल
इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ नहीं होगी तो उसी के साथ साथ उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी मुतासिर हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने यही मिसाल दी आपको कि दिस इज़ वाई वी हाईलाइट द थ्री ब्रॉडर डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हम पीछे पिछले हिस्से में लेक्चर के बता चुके हैं आपको कि तीन डोमेन्स, तीन सोशियो इमोशनल डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन और इसके साथ फिजिकल डोमेन, इनका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट की। एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है, टेबल 1.1 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आपको इसमें शो हो रहा है। पहले कॉलम में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पेरेंटल पीरियड पहली स्टेज है, और ये वो स्टेज है जब बच्चा अपने मदर के पेट में कंसीव करते हैं। मदर तो उसके बाद से लेकर पैदाइश तक के जो 9 माह हैं वो उसका एज पीरियड कहलाता है, और उस एज पीरियड की निशानी या करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात ये हैं कि उसके अंदर तेज़ी से तब्दीलियां हो रही होती हैं बच्चे के, वो एक सिंगल सेल से एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद पहली पैदाइश के बाद बच्चे की 2 साल तक की जो एज पीरियड है इसको हम इन्फेंसी एंड टोडलरहुड कहते हैं। इस स्टेज को, इस स्टेज में ये एक्सट्रीम, इसकी जो खसूसियात हैं वो बताई गई हैं कि एक्सट्रीम डिपेंडेंसी होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है अपनी माँ पर, अपने सराउंडिंग के जो लोग हैं उन पर, अपनी गिज़ा के हवाले से, अपनी ज़रूरियात के हवाले से। बिगनिंग ऑफ द इंटेंसिव फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डिवेलपमेंट उसकी उस वक्त शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि जब बच्चा इस एज में गिज़ा ना मिलने पर रोता है, चिल्लाता है, और अगर उसको अटेंशन चाहिए होती है तब भी वो रोकर अपने जज्बात का इजहार करता है शुरू के कुछ मंथ में, लेकिन जो जो उसकी लैंग्वेज डेवलप होती जाती है तब तक तब वो अपना इजहार जो है अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का, फिर अल्फाज के थ्रू करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले जब उसके पास लैंग्वेज स्किल्स नहीं होती किसी तरह की, तो फिर वो अपना रोकर या अपने आपको मतलब तवज्जो हासिल करने के लिए आपकी या मदर की, तो वो अपना इजहार इस तरह से करता है फीलिंग का। अब हम देखते हैं तीसरी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल ईयर्स, जिसमें 2 से 6 साल तक की उम्र आती है। इसमें सेल्फ सफिशिएंट होता है बच्चा, हर काम खुद करना चाहता है, और साइकोलॉजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट हो रही होती है इस वक्त बच्चे की। कंसीडरेबल एक्सपेंशंस इन थॉट्स एंड लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा उसकी सोच और जबान के जो स्किल है लैंग्वेज के हवाले से उसमें उसकी ग्रिप अच्छी होती चली जाती है। वो बताता है कि मुझे ये वाला ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे ये कार्टून देखना है, मुझे फलां जगह जाना है और नहीं जाना है, इस तरह की, यानी अपने जो थॉट्स का एक्सप्रेशन है उसको करना आ जाता है बजरिया लैंग्वेज। अगली जो स्टेज है हमारे पास, फोर्थ स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि 6 से 11 साल तक की जो उम्र का दौर है ये फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट की। इसमें वो जिम्मेदारियां अपनी लेना महसूस करता है। आप देखें कि स्कूल में जब बच्चे को पता होता है कि अब उसने स्कूल भी जाना है, टाइम पर वापस भी आना है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने होमवर्क करना है, उसको क्लास में कोई टीचर काम बताती हैं तो वो उस जिम्मेदारी को भी निभाने की कोशिश करता है। घर में भी उसे कहा जाता है अपने बेटा पानी की बोतल भर के फ्रिज में रखनी है, अपने ये अपना बैग फलां जगह रखना है, तो इस तरह की जिम्मेदारियां जो हैं वो उसको वो अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद है 6 से 11 साल तक की उम्र में बच्चे के अंदर जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का एक डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ इम्प्रूव थाट्स प्रोसेस एंड एथलेटिक एबिलिटीज़, यानी वो अपने खेल कूद में फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेता है, और उसके सोचने के प्रोसेस में भी डेवलपमेंट हो रही है, और साथ साथ उसके फिजिकल एबिलिटीज़ में भी, जो भाग दौड़ और गेम्स में जहाँ जहाँ बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं वो इस वक्त आपको शो होने दिखाई देंगे, दिखने लग जाएंगे। इसके अलावा है मास्टरी ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, अब उसके अंदर जो सलाहियत है वो जो स्किल्स हैं रीडिंग की, राइटिंग की, और
हिसाब किताब के हवाले से वो इम्प्रूव हो रही हैं, वो डेवलप हो रही हैं. इंक्रीज सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस, उसको अपने बारे में भी पता है और उसको सोशल अवेयरनेस आ रही है. उसको पता है कि कहाँ पर हमने जाना है, तो बच्चों अपना किसी के घर जाना है तो हमने किस तरह से मैनर्स शो कराने हैं, और किसी दोस्त से मिलना है तो किस तरह से, और किसी बड़े के साथ हमने किस तरह से बात करनी है. अगर कोई आया है तो हमने अपनी सीट से खड़े होकर उसको अस्सलाम वालेकुम कहना है. इस तरह की जो मैनर्स हैं वो बच्चे सीखने लग जाते हैं 6 से 11 साल तक की उम्र में. आखिरी जो स्टेज है हमारे पास डेवलपमेंट के हवाले से वो है एडोलसेंस. ये 11 से 18 साल तक की उम्र है. इसमें ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, अब वो बचपन की जो हदूद है उससे निकलकर एक यंग बच्चे की जो उम्र की हदूद है उसमें दाखिल हो गया है. तो रैपिड फिजिकल चेंज आते हैं, जो कि एक कुदरती अमर है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के जो बॉडीज़ हैं उनमें फिजिकल चेंज आ रहे हैं इस एज में. फिर उसके अलावा इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी उनके अंदर, जो कहते हैं ना कि एक खुद इख्तियारी आ रही है, अपने आप के ऊपर वो खुद इख्तियार चाहते हैं, अपनी मर्जी से अपने काम करना चाहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग, वो अपने जो भी प्रोसेस उनके इर्द गिर्द हो रहा होता है उसको वो उसके प्रोसेस की रीजनिंग डिफाइन करना जानते हैं. वो उनकी थिंकिंग पावर बेहतर हो रही होती है. इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, उन्होंने अपने अकायद का, अपने मजहबी और उसके अलावा जो इखलाकियात के हवाले से जो फिक्स कर लेते हैं वो अपने रूल्स बच्चे इस दौरान, तो वो उस पर अपना काबू रहते हैं. और इन दिनों में वो उनके जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं वो डेवलप हो के एक फाइनल स्टेज तक आ जाते हैं. अब हम देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या हैं. पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग. लाइफ लॉन्ग जो डेवलपमेंट है इसके दो पहलू हैं. एक ये कि फर्स्ट डेवलपमेंट एक्सटेंडेड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल. एक पहला पहलू ये है कि ज़िंदगी के तमाम वक्त में इंसान के अंदर डेवलपमेंट चल रही होती है, और दूसरा ये है कि न्यू प्रोसेस एंड चेंज में सुपर यानी तेज़ हो सकती है ये तब्दीली थ्रू आउट द कॉन्सिस्टेंटली इमर्जिंग नेचर नेचर ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. जैसे ज़िंदगी में जैसे जैसे तब्दीलियां आती हैं, इंसान के अंदर तब्दीली आने का अमल या तो तेज़ होता है और किसी इंसान में बहुत स्लो या नॉर्मल रहता है, जो कि एक एक रूटीन में चल रहा होता है. और कुछ लोग होते हैं जो तेज़ी से अपने अंदर तब्दीलियां लाते हैं, अपने सराउंडिंग को देखकर, अपने माहौल को देखकर, या फिर अपने आप को बेहतर करने के लिए. अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट इज़ बोथ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल. मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्दी डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है. यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डिक्रीज हो, वो इंक्रीज भी हो सकती है. डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो समटाइम्स डिक्रीज होती है, समटाइम इंक्रीज होती है. लेकिन ये इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर ये डिक्रीज होती है तो मल्टी डायमेंशनल भी है, और अगर ये सिर्फ इंक्रीज ही होती रहती तो मल्टी डायरेक्शनल होती. लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये दोनों तरफ काम करती है, कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है. आप देख लें कि किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस एट अ टाइम अच्छी भी हो सकती है, और किसी ऐसे वक्त पे वही इंसान किसी और मामले में बुरी परफॉर्मेंस भी दे सकता है. तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है. एक अगर हम मेमोरी की बात करें तो किसी एज के दौर में इंसान की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि यंग एज में, और जो जो इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी मेमोरी कम हो जाती है, तो उसकी डेवलपमेंट थोड़ी डिक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स मेमोरी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो उसके अंदर एक्सपीरियंस किसी और इन चीज़ में उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है किसी दूसरे एस्पेक्ट से. यानी उसके अंदर एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, जिसके थ्रू वो बेशक चीज़ें आप वो उस तरह से याद ना रख पाए, लेकिन वो को बहुत सारे मसाइल के हल आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिवेलपमेंट फिर भी हो रही होती है, मल्टी डायमेंशनल हो जाती है या मल्टी डायरेक्शनल हो जाती है.
डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन्स एंड लॉसेस। अगेन हम फिर वही बात करेंगे कि कभी हम कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के थ्रू गेन कर रहे हैं, जैसे कि नॉलेज, ठीक है, और लॉसेस में हम कह सकते हैं जैसे कि पावर, फिजिकल फिटनेस, ये ग्रोथ पार्ट है ना डेवलपमेंट का। तो जब ग्रोथ रुक गई और फिर वो जो हमारे अंदर एक नेचुरल जो ग्रोथ का एक प्रोसेस था पूरा होने के बाद, एक एक अरूज का दौर रहा सेहत के हवाले से, फिजिकल फिटनेस के हवाले से, लेकिन फिर जो जो हम उसमें बुढ़ापे में दाखिल होते हैं तो फिर डेवलपमेंट में से कुछ लूज़ भी होता है, यानी जो उसका पार्ट था ग्रोथ का वो रुका, ना सिर्फ रुका बल्कि हम उसमें फिर कुछ बीमारियों का शिकार होकर डेवलपमेंट जो हेल्थ के हवाले से थी उसमें हमने लूज़ भी करना शुरू कर दिया। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक, यानी इसके अंदर ये खूबी पाई जाती है कि ये चेंज हो जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसान के अंदर। अब आप देखें कि अगर किसी को आज नहीं पता बच्चे को कि ये आग को टच करने से उसका हाथ जल जाता है, तो एक बार जब ये एक्सपीरियंस वो हासिल कर लेगा तो दूसरी बार उसके अंदर वो डेवलपमेंट हो चुकी होगी कि उसके अंदर ये किसी भी आग को, किसी भी गर्म चीज़ को टच करने से उसको उसके हाथ को जल जल सकता है। तो इस हवाले से जो तब्दीली इंसान के अंदर आती है वो एक ऐसी तब्दीली है जो वक्त के साथ साथ इंसान उसमें डेवलप करता रहता है, अपने मॉडिफाई करता रहता है अपने रिस्पॉन्सेज को, अपने इन्फ्लुएंसेस को और अपने एक्सपीरियंसेस को। इसकी एक और एग्जांपल है कि जब एक ब्रेन जो है वो टेंडेंसी रखता है बहुत ज़्यादा चेंज करने की, मॉडिफाई करने की, चीज़ों को पिक करने की फंक्शंस के हवाले से, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो हैं वो अगर इंजर हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर जो तब्दीली आएगी वो हम अगेन तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि वो एक लॉस के हवाले से होगी। इसी तरह प्लास्टिक के हवाले में हम इंक्रीज होने वाली चीज़ों की डेवलपमेंट में जो हैं वो उनका हम जिक्र और या एग्जाम्पल देंगे। डिवेलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्ट एंड हिस्ट्री। डिवेलपमेंट का ताल्लुक हिस्ट्री से है, उसके सैको सबाक से है। हम जैसे बात करते हैं कि कोई किसी को अच्छा माहौल मिल जाए, कोई गांव के माहौल में पल बढ़ रहा है, उसकी डिवेलपमेंट और ग्रोथ वहाँ पर हो रही है, तो जो उसकी अंदर स्किल्स हैं वो वहाँ के हवाले से होंगी, एनवायरनमेंट के हवाले से होंगी। और किसी ने अगर पाकिस्तान किसी शहरी आबादी में आके रहना शुरू किया, वहाँ पर उसका ब्रॉटअप हुआ, उसकी फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट भी वहीं पर हुई है, तो उसके और जो गांव में पलने वाले बच्चा है उसके अंदर ना सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से बल्कि ग्रोथ के हवाले से भी तब्दीलियाँ होंगी। तो इसी तरह से जो हम देखेंगे कोई बच्चा अगर यूनिवर्सिटी लेवल में जाके पढ़ रहा है, तो जो उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है वो एक स्कूल गोइंग और उसके बाद किसी भी वर्किंग में इन्वॉल्व हो जाने वाले इंसान या नौजवान को आपस में कंपेयर करेंगे तो उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का ताल्लुक सियाको सबाक और हिस्ट्री के साथ भी है। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। यहाँ पर देखें तो एक सिंगल पर्सपेक्टिव है या कि मेथडोलॉजी इज़ नॉट सफिशेंट टू डिवेलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजीज आर नॉट सफिशेंट टू रिवेल द सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक हम नफ्सियाती बच्चे की डेवलपमेंट का जायज़ा लें तो हम उस बेस पर उसकी सोशल डेवलपमेंट को उसकी कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि उसका उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से हम उसको ये नहीं कह सकते कि अगर उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ मुकम्मल नहीं है, किसी का आप देखते हैं कि फ़िज़िकल ग्रोथ किसी वजह से
रुक जाती है, कुछ कद में छोटे होते हैं लोग या स्पेशल कुछ बच्चे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी अगर ग्रोथ मुकम्मल नहीं हुई है तो वो उनकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं होगी। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे थे, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई होती है अगर फिजिकल ग्रोथ नहीं भी मुनासिब है तो। और समटाइम्स फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होने के बावजूद कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं होती है कि वो एक नॉर्मल इंसान भी बन सकें। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है डेवलपमेंट और इसका ग्रोथ के हवाले से, जिसको हम बआसानी जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस, क्या ये प्रोसेस जारी रहता है या ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल के जवाब में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरिस्ट का बिलीव ये है कि ये एक कम्प्लेक्स की तरफ चले जाती है। डेवलपमेंट जो बेस करियर नॉलेज स्किल्स एंड बिहेवियर्स पर, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो कम्प्लेक्स होती जाती है, कम्प्लेक्स होती जाती है नॉलेज की तरफ, स्किल्स की तरफ और बिहेवियर्स की तरफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इन थ्योरिस्ट के बकौल, कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। जबकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बिलीव है कि डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस इन विच न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर्स इमर्ज इन रादर अड्रप्ट एंड डिसकॉन्टेक्ट व्यूज़। वो कहते हैं कि इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो अगेंस्ट है, जो कहते हैं कि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कहते हैं कि मोस्टली ये जो क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज बिहेवियर और स्किल्स है वो ऑलरेडी इंसान में होती है और वो उसी को ही लेकर साथ चलता है एंड तक। नेक्स्ट ये सवाल है, इशू है कि सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज। सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज के हवाले से ये इशू बयान किया जाता है कि क्या डेवलपमेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट, उनका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं कि उनका डेवलपमेंट का जो रूट है वो कुछ और है, इंसानों का वो साइकोलॉजी के हवाले से चेक करते हैं। जबकि कुछ दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से इसको चेक करेंगे। तो असल बात यह है कि जो सियाको सबाक हैं, जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं डेवलपमेंट को, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो मल्टीपल चीज़ें हैं, वो मल्टीपल चीज़ें हैं जिन पर डेवलपमेंट बेस कर रही है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, जिसमें आपका बायोलॉजिकल जो वर्से में मिलने वाली आपके सारी खूबियाँ या खसूसियात, उसके साथ साथ आपके जहानत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसके साथ साथ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो रिसर्चर हैं आज के दिन, वो सिर्फ यही कहते हैं कि जो सियाको सबाक हैं वही मेन फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करने के डेवलपमेंट को, जिसमें से बहुत सी चीज़ें इंसान को नॉलेज को बेहतर करती हैं, उसके पर्सनैलिटी को बेहतर करती हैं, उसकी अखलाकियात को बेहतर करती हैं। नेचर और नर्चर, स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी। अब यहाँ पर जो बहस की गई है वो इस बारे में है कि क्या डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है या इसको नर्चर भी किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। नेचुरल प्रोसेस तो है ही, यहाँ पर इसको नर्चर इस तरह किया जा सकता है कि उसको एक अच्छे तरीके से, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, बच्चे को एक अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी अखलाकियात सिखाई जाए, उसको अच्छा माहौल दिखे, तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको एक पॉजिटिव वे में ले जाया जा सकता है, उसको नर्चर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो नेचुरली वो डेवलप तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट तो उसमें चल रही है, लेकिन वो डेवलपमेंट टूवर्ड्स अ बेटर इंडिविजुअल है या नहीं है, इसके बारे में फिर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। हाँ, अगर आप उसको मुनासिब माहौल देंगे, मुनासिब उसके जो बिहेवियर रखेंगे लोग इर्द गिर्द उसके साथ, उसके सामने एक अच्छे बिहेवियर का मुजाहरा घर में भी किया जा रहा है, स्कूल में भी किया जा रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान जो छोटा बच्चा है इस वक्त, वो बड़ा होकर किस तरह की नेचर का बनेगा, किस तरह का बिहेवियर उसका होगा। इसी तरह से सिमिलरली जो उस वक्त
बच्चे के अंदर जो उसके फीलिंग और इमोशंस का इजहार करने का तरीका है उसको देखकर भी जो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये पेशेंगोई की जा सकती है कि ये बड़ा बच्चा होकर, बच्चा जो है वो बड़ा होकर लड़ाका मिजाज का बनेगा या बहुत केयरिंग होगा या बहुत लविंग होगा। और हम अमूमन इन चीज़ों को अपने आसपास ऑब्जर्व भी करते हैं और देखते भी हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, तो एक बार फिर हम मेंशन करेंगे मुख्तसर के बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसा कि पहले शुरू में डिटेल में मैं बता चुकी हूँ कि इसके साथ साथ के जो आपको वैसे में जिस तरह के आपको हेयर कलर, स्किन कलर और हाइट वेट के हवाले से काफ़ी हद तक वो आपके वैसे में मिलने वाली जो चीज़ें हैं वही ग्रोथ में आपके पार्टिसिपेट कर रही होती है। इसी तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा उनको किस तरह का माहौल मिलता है परवरिश के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के हवाले से, तरबियत के हवाले से, वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट में हिस्सा लेती हैं। इसी तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, किस तरह से आप अपने इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार हैं, रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट का, मदर चाइल्ड का, पेरेंट्स का, बच्चे के साथ बहन भाइयों का, घर वालों का, हमसायों का, दोस्तों का, इन सब का रिलेशनशिप जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करता है और फैक्ट ये इन्फ्लुएंस करता है। अर्ली एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, शुरू में जो लाइफ में अगर आप बच्चे को अच्छे अच्छे यानी आप उनको ऐसे टॉयज लेकर दें जिनसे उनकी थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो, उनकी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट हो सके, उनकी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट बेहतर हो सके और उनको एक्सपीरियंसेस करवाएं आप छोटे छोटे लेवल पर, तो आप देखेंगे कि ये फैक्टर जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में इतना इन्फ्लुएंस करेगा कि वो बड़ा होकर एक ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकेगा। यहाँ पर चूंकि मैंने ये लाइव सेशन करना था और हमारा कनेक्शन ही नहीं हो पाया है आ गई पोर्टल पर, तो आप सबके लिए क्वेश्चन आंसर की स्लाइड रखी गई थी जो कि आप फजूल है। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिंक शेयर किया था अपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो फिर मैंने नहीं की क्योंकि ये रेगुलर नहीं चली हमारी क्लास। अगर आपको लेक्चर दोबारा से देखना होगा तो अब आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल, और यहाँ पर आपको आपके बीएड से रिलेटेड और भी डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो आपका 8610 कोड है, इस बुक के हवाले से मैं चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करती रहूँगी जैसा कि आज पहले चैप्टर की कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।